मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार मंगलवार को मुंदी थाना के प्रभारी मोहन सिंह सिगोरे, एसआई चेतनाथ परिहार, मनोज सोनी व नगर परिषद मुंदी के सीएमओ संजय गीते के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम द्वारा रोको टोको व समझाइश अभियान के तहत वाहनों सहित मैदान में सायरन बजाते हुए माइक लगाए वाहन से सूचना करते हुए लाल बहादुर शास्त्री बस स्टैंड से मुख्य बाजार व माता चौक में सूचित किया कि सभी दुकानदार मास्क लगाएं व मास्क पहने हुए ग्राहक को सम्मान दें, दुकानों पर सैनिटाइजर रखें। सीएमओ ने सभी दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकानों पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व दुकान के बाहर पानी रखें व बार बार हाथ धोएं व एक दूसरे से हाथ मिलाने से बचें, सावधानी रखें। मुदी पुलिस थाना द्वारा बाइक सवारों को समझाइश दी गई कि बिना मास्क के वाहन न चलाएं व तीन सवारी न बैठाएं और वाहन संबंधी दस्तावेज साथ में रखें। अभी समझाइश दी जा रही है, नियमों का न मानने पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। वहीं मानदाता विधायक नारायण पटेल ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ माता चौक, मुख्य बाजार व अन्य वार्डों से होते हुए लाल बहादुर शास्त्री बस स्टैंड व पुनासा रोड तक सभी दुकानदारों से मास्क लगाने की, सैनिटाइजर रखने की, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक भी किया गया है। सर अभी सुबह मुंदी 11 बजे के समथिंग मुंदी बस स्टेशन पर जो सायरन बजाकर सब रोकथाम की गई सर, और आपके द्वारा विधायक जी के द्वारा मास्क भी बांटे गए सर, उस पर क्या प्रश्न? जैसा भी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कोविड वापस अपने पैर पसार रहा है और मुंडी में गत पूर्व मुंडी में हमारे द्वारा जो आप लोगों का और जनता का भी सहयोग मिला था, उसके कारण यहाँ पर कोविड के ज़्यादा केस नहीं बने थे। इस माध्यम इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश मिले थे कि सवेरे 11 बजे लोगों को अलर्ट करना है कि सायरन के माध्यम से जागरूकता के लिए भी काफ़ी अपनी दुकान व्यवसायी अपनी दुकानों के आसपास गोले बनाए और जो आम जन है वो एक मास्क लगाए, क्योंकि एक मास्क से आपके जीवन सुरक्षित हो रहा है। उसके लिए जैसे कि माननीय विधायक महोदय, जनप्रतिनिधि, सामाजिक लोग और यहाँ के जागरूक व्यापारी और पत्रकार बंधु, इन सभी ने हमारे साथ सहयोग करके लोगों को जागरूक किया और इसमें हमें सफलता भी, अधिकतर लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं और हम सबसे आप अनुरोध भी कर रहे हैं कि अपने व्यवसाय के पास एक निश्चित दूरी बना के गोला, 2 गज दूरी का गोला बना कर रखें ताकि मुंडी क्षेत्र में कोरोना प्रवेश न कर पाए। हाँ सर, अगर आपके निर्देश पर अगर कोई नई मास्क लगाता है तो उस पर कार्रवाई की? उसके लिए जिला प्रशासन के सख्त निर्देश है कि अगर जो जो एक बार दो बार समझाने आज हमारे द्वारा मास्क वितरण किए गए उसके बाद जिला पुलिस प्रशासन, राज्य सभा की टीम, हमारी टीम के माध्यम से उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी और अगर 1 से 3 बार के बाद अधिक से अधिक वो बार बार तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की, भाई ये आदतन ये बीमारी के प्रचार प्रसार करने में ये सहयोग कर रहा है, तो उस व्यक्ति पर 188 के अंदर जो प्रावधान है माननीय एटीएम अधिनियम के निर्देश अनुसार उसको कार्रवाई करना है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खंडवा से रूमी सलूजा की रिपोर्ट।